नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज कल आप न्यूज़पेपर, मीडिया, टेलीविज़न पर ये सुनते आ रहे होंगे, कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा। साथियों, इस समय ये चाइना में, जो कि वुहान से शुरू हुआ और बहुत बड़ी समस्या बन चुका है चाइना में, कई देशों की सरकार ने एयरलिफ्ट करा रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से वापस लाया जा सके, और देश में आने के बाद उनको डॉक्टरों की सुरक्षा में, डॉक्टरों की नज़र में उनको रखा जा रहा। जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। तो कोरोना वायरस एक बड़ा समूह होता है जो इंसानों में सामान्य जुखाम से लेकर श्वास संबंधी गंभीर समस्या तक पैदा कर सकता है। खांसी और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें, क्योंकि खांसने से या छींकने से ये वायरस एक दूसरे को संक्रमित करता है, फैलता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, दिन में कई बार, यानी कि खाना खाने से पहले या फिर शौच जाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी कई बार आपको अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे से धुलना है, और उंगलियों के बीच में, यानी कि अच्छी तरह हाथों की सफाई करना, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कीटाणु ना रहे। और ख़ास बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने हाथों से आँख और नाक, इनको बार बार ना छुएं, यानी कि अपने हाथों से आँख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। और अगर ऐसी कोई समस्या आती है, अगर लगता है आपको, तो खांसी, बुखार और जुखाम जैसे लक्षण अगर लगें, तो तुरंत अपने निकट के चिकित्सक से संपर्क करें या सरकारी अस्पताल में जाएं, क्योंकि इसका बचाव ही इलाज है। ये गंभीर समस्या है, इस पर सभी लोग ध्यान रखें। तो इस तरह हम कोरोना वायरस का जो खतरा है उसको टाल सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बने, दूसरों को भी जागरूक करें। ये मैसेज, ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि कोरोना वायरस जैसे बढ़ते प्रकोप से खुद को बचाया जा सके। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई ड्राइंग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन